नमस्कार, फूड लवर मोम में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही सिंपल सी फिश करी शेयर कर रही हूँ, हाकमास। ये असम में बनता है, उसका ही एक वर्जन है। उसके लिए मैं बेलकनी गार्डन से ये पालक और अमरनाथ ली हूँ थोड़ा, और ये रोहू फिश, उसको नमक और हल्दी से मैरिनेट की हूँ। फिर अभी इसको मस्टर्ड ऑयल में हम डीप फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई करना है, तभी कलर अच्छा आएगा। तो इसको हम डीप फ्राई करेंगे दो अच्छे से दोनों तरफ से। अगर आप अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये एक्चुअली बहुत ही कम मसाला पड़ेगा इस कड़ी में, फिश कड़ी, मसूर झोल आप बोल सकते हैं। हम असम में ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के साथ हम फिश बनाते हैं। तो ये फ्राई हो गया है ऑलमोस्ट, इसको हम निकाल लेंगे। स्पाइसेस बिल्कुल भी नहीं जाता है, लेकिन बहुत टेस्टी है और हेल्दी भी है। और मेरे तो ये घर का ही ग्रीन लीफ यूज़ की हूँ। अभी ये फिश हो गया है, इसको निकाल लेंगे। अब इसमें जाएगा थोड़ा पंचफोरन यानी 5 spice mix और एक मीडियम साइज के ऑनियन और 2 green chili। फिर थोड़ा 1/2 spoon के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट। इवन जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा टेस्ट के लिए डालती हूँ। और ये एक बड़े साइज का टमाटर कटी हुई। फिर ये थोड़ा कवर करके गलने देंगे, टमाटर गल जाए। तो थोड़ा डालेंगे सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर। सॉल्ट डालने से टमाटर और ऑनियन थोड़ा जल्दी गल जाएगा। इसको अभी कवर कर देंगे। 50% टमाटर और ऑनियन गल गया है। अभी इसमें जाएगा यह बॉइल्ड बेबी पोटैटो। आप ये पोटैटो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन पोटैटो लेने से उसका गाड़ी का टेक्सचर अच्छा आता है। और मेरा ग्रीन लीव्स भी थोड़ा कम था लीफी वेजिटेबल, क्योंकि मैं बेलकोनी गार्डन से ही तोड़ी हूँ, अपना किचन गार्डन से। तो ये सॉफ्ट लीफी वेजिटेबल, आप कौन सा भी लीफी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं, अमरंथ, पालक, फिर भुटुआ भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है। ऐसे मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा गलने देंगे हम, मिक्स करने दे करके कवर कर देंगे। लीफी वेजिटेबल भी पानी छोड़ेगा तो उसमें ही थोड़ा गल जाएगा। तो ये बॉईल हो गया है, अभी हम 2-3 पोटैटो को थोड़ा मैश कर देंगे ग्रेवी को ठीक बनाने के लिए। हम लोग कोई कोई ये भी करते हैं, पोटैटो नहीं डालते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा राइस फ्लोर या राइस को थोड़ा पीस के सलरी जैसे बना के उसको डालते हैं। अभी इसमें जाएगा वाटर, और ये अच्छे से बॉईल होने के बाद इसमें हम फ्राई किए हुए फिश डालेंगे। अभी डालना है फिश। फिर फिश डालने के बाद हम 5 minutes तक उसको बॉईल होने देंगे, ताकि फिश के अंदर जो है वो ग्रेवी घुस जाए और फिश भी अपना फ्लेवर ग्रेवी में छोड़ दे, तभी फिश करी का मज़ा है। मैं थोड़ा एक छोटा सा हेड पीस भी डाली हूँ, क्योंकि वो भी अच्छा सा फ्लेवर छोड़ेगा ग्रेवी में। तो ये हो गया है, अभी हम
थोड़ा फ्रेश कोरिएंडर लीफ ऊपर से डाल लेंगे, थोड़ा भरपूर धनिया, इससे अच्छा खुशबू आएगा। और अभी धनिया से गार्निश करने के बाद ये ग्रेवी हो गया। आप ये स्टीम राइस के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। हम तो स्टीम राइस दाल और फिश फ्राई से खाए, बहुत ही टेस्टी था, आप भी ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय।